हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो वहां पर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी किस रेंज से सामान स्टार्ट होता है और वहां पर क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। फाइनली हम लोग पहुंच गए सरोजनी मार्केट और फटाफट से शॉपिंग करते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। और अभी तो बहुत कम रश हो रहा है यहाँ पर मार्केट में, देखते हैं कैसा भीड़ होगी वहाँ पर। और ये आ गया मेन एंट्रेंस जहाँ से हम एंट्री करेंगे मार्केट के लिए। सो गाइज, यहाँ पर हम आ गए हैं इयर रिंग्स देखने के लिए। तो यहाँ पर इयर रिंग्स स्टार्ट हैं ओनली 30 रुपीज से। तो काफ़ी वैरायटी के यहाँ पे इयर रिंग्स थे, तो मैंने भी एक परचेस कर लिया। और अगर आप लोगों ने नहीं परचेस किया है तो एक बार आप लोग सरोजनी मार्केट में जाइएगा और ये इयर रिंग्स को परचेस किया करिएगा। और उसके बाद हम आ गए हैं रिंग देखने के लिए। तो यहाँ पर रिंग्स स्टार्ट थी 50 रुपीज़ ओनली। तो काफ़ी वैरायटी की रिंग्स यहाँ पर मिल रही थी। तो ये सेकंड नंबर पे भैया बैठे हुए थे रिंग्स वाले, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स देखी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया रिंग्स के बारे में और मैं ज़्यादा पहनती भी नहीं, इसीलिए मैंने परचेस नहीं किया। तो काफ़ी रश हो रहा था इस टाइम पे, और सरोजनी मार्केट में तो बहुत रश रहता है हर टाइम पर। गाइज, ये मार्केट स्पेशली गर्ल्स और वुमेंस के लिए है और यहाँ पे बहुत बहुत वैरायटी के आपको इयर रिंग्स, प्लाजो, स्टॉल्स और भी बहुत ज़्यादा आइटम्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं देख रही थी ये 50 रुपीज़ के लोअर्स स्टार्ट थे, 50 के 100 के 200, हर वैरायटी के यहाँ पे लोअर्स मिल रहे थे। बट ये जो आप लोग देख रहे हो ये 50 के ओनली 50 के लोअर थे। तो काफ़ी ऐसा लगता है कि ये कितने कम रुपीज़ में हम लोगों को कितनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। और इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर स्टॉल देखने के लिए। तो यहाँ पर 80 रुपीज़ का 1 स्टॉल और 150 के 2 स्टॉल थे। तो मैंने यहाँ से 2 स्टॉल परचेस कर लिए और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक में ये हमें मिल गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था परचेस करके। तो यहाँ शॉपिंग करके एक अलग मज़ा आता है। तो आप लोगों ने अगर नहीं किया है शॉपिंग तो यहाँ पर आइए और बहुत सारी शॉपिंग करिए। और इसके बाद हम आ गए हैं लोअर देखने के लिए। जो आप लोग ये लोअर देख रहे हैं ये स्टार्ट थे 200 रुपीज़ से। तो हमने यहाँ से एक लोअर परचेस किया है और हम चलते जा रहे थे और सारी चीज़ें देखते जा रहे थे। तो बहुत वैरायटीज़ की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। आप लोगों ने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो उस दिन मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, बट आज मैंने थोड़ा जितना पॉसिबल हुआ मेरे से तो यहाँ पर कर लिया है। और यहाँ पर मिल रहे थे जेंट्स के लोअर, तो ये स्टार्ट थे 200 रुपीज़ से। तो काफ़ी अच्छे उसमें मिल रहे थे फैब्रिक में। और यहाँ पर थे बच्चों के बहुत अच्छे से कपड़े। तो यहाँ से मैंने जीवांशु के लिए टी शर्ट और लोअर उसका परचेज़ किया, तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने ये जीवांशु के लिए ऑरेंज कलर का परचेज़ किया है, तो जीवांशु पर ये कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है, इसीलिए मैंने ये कलर जीवांशु के लिए परचेस कर लिया। और यहाँ पर देखिए ये 100-100 के सारे बैंगल्स मिल रहे हैं और काफी ब्यूटीफुल।
कौन सा भैया? पीछे साइड में 200 है। पीछे साइड में सारे नेकलेस 200 के मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे आप लोगों को। तो सरोजनी मार्केट में एग्जिट के वहाँ पर आप लोगों को ये सारे आइटम्स मिल जाएंगे। गाइज अभी हम आ गए हैं मार्केट से और जीवांशु को बहुत ज्यादा भूख लग गई है, तो मैंने यहाँ पर काउ मिल्क रेडी कर दिया जीवांशु के लिए। और सरोजनी मार्केट में आप लोगों ने देखा ही होगा कितना सारा रस हो रहा है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। सो फ्रेंड्स, एक मैं लाई हूँ कॉफी मग और अभी मैं आई हूँ किचन में क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो रही है और मैं बनाऊंगी थोड़ी सी चाय। बिना चाय के थोड़ा सा अनकम्प्लीट लगता है कुछ भी, तो ये लाई हूँ मैं कॉफ़ी मग हस्बैंड के लिए जो ये ऑफिस लेके जाएंगे अपना कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। तो ये मिला है हमें 50 की रेंज में, बहुत अच्छा है ग्रीन कलर में, बट मैं एक ही लेकर आई हूँ, अपने लिए नहीं लाई हूँ। और पहले बनाती हूँ मैं फटाफट से चाय।